देखना कितना अच्छा बना रखा है आगे तक पैदल वॉक करने के लिए, उस साइड में भी बना रखा है। और ये आ चुका है मतलब ट्रैफिक, ये इधर देखो कितनी सारी जेसीबी, इधर देखो कितनी सारी जेसीबी। जयपुर हम ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हम मतलब देख चुके थे। ये प्लेस अच्छी लगी, मैंने सोचा इसके अंदर जाता हूँ, मतलब ये सीधा नहर के पास पास से सारी चीज़ें बना रखी है। बट मेरी साइकिल में लॉक नहीं है, मैंने उसको बोला था मुझे लॉक दे दे, मतलब मैं यहाँ पर लॉक लगा के अंदर मतलब होके आ जाता। लॉक तो है नहीं, अब बिना ताले की तिजोरी मतलब चोरों को इनवाइट करना हो सकता है ऐसा समझ लो। लॉक लगाऊंगा नहीं, साइकिल तुरंत उठ जाएगी और मैं किसको यहाँ जानूंगा, किससे ढूंढूंगा, क्या करूंगा, मुझे आइडिया नहीं। तो हम अंदर जा ही नहीं रहे, मतलब ख़त्म करो इस बात को, अब चलते हैं अपने घर। इधर से घर चलते हैं और आज का दिन आई थिंक ऐसे ही निकला जा रहा है। घर जाएंगे फिर देखेंगे, कुछ होगा तो ठीक है, वरना फिर हम कल मिलेंगे। कल भी हम जयपुर में हैं, जयपुर में अभी हैं यार, जयपुर में अभी हैं। लुक एट दिस, मतलब ये मतलब अलग ही मुझे दिख रही है, देखना। ए आई डोंट नो ये क्या ढूंढ रही है और क्या कर रही है, मुझे आइडिया नहीं है, बट इसकी हरकतें मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, कचरा समेट रही थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ये यार। बिल्ली कचरा समेट रही थी, मतलब कचरा समेट के निकल गई, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है लग रहा। हाँ, सारा कचरा समेट दिया उसके बाद में चली गई। मैं आऊँ। आई डोंट नो वॉइस कितनी आएगी, बट यार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं। मतलब मैंने सोचा पानी बता से खाते हैं, 10 के 5 कहाँ मिलते हैं, भीलवाड़ा में 10 के 3 हो गए, 10 के 3 हो गए, यहाँ 10 के 5 खिला रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 10 के मिलते ही नहीं होंगे, भैया 10 के 5 पानी बताशे खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है यार। बर्गर पताशी, सारे डोमिनोज वाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हो मतलब हम जयपुर घूम रहे हैं एक तरह से, इतना समझ लो, बट मुझे मज़ा आ रहा है कुछ भी कहो। और हम गली में चल रहे हैं, मतलब मेन रोड मेन हाईवे उस साइड में, हम इस साइड में गली में आ गए जहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है, पीपल वॉक कर रहे हैं, इतना समझ लो। आई थिंक मैं यहाँ कल निकल जाऊँगा यहाँ से, कल मेरा लास्ट डे होगा यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। जयपुर में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्सप्लोर ही नहीं की। एक सिनेमा घर है यहाँ पर, आई डोंट नो, बहुत अच्छा बहुत पुराना है, ठीक है, सिनेमा। दूसरा आई थिंक दूसरा, हाँ, डब्ल्यू टी पी, ये है मेन हाईवे जो कि कोटा के लिए गया है। और हम कोशिश करते हैं कि इसके साइड में ही चलें, क्योंकि मेन हाईवे है ना, इसलिए देख लो कितना ज़्यादा मतलब ऐसा चलता है। और हम इस वाली लाइन में चलते हैं, ये वाला जो रास्ता है ना, इधर चलते हैं हम। इसका फ़ायदा भी ये है कि लाइक ना तो इधर बैक साइड से गाड़ियाँ आती इतनी, ना इधर से जाती हैं, उस पर लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो हम भी साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। और मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं कि मतलब इवनिंग हो रही थी, वीडियो की क्वालिटी क्या, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, बट इतना समझ लो ए डे ए इवनिंग इन जयपुर, मतलब हम जयपुर में इवनिंग में सारी चीज़ें देख रहे हैं और कैप्चर कर रहे हैं। ये थोड़ा आउटसाइड में, मतलब ये एक कोना है जयपुर का, दूसरा कोना हम फिर कभी कैप्चर करेंगे अगर आए तो, हाँ कभी आए तो, टाइम मिला तो। और सबसे अच्छी बात है मुझे बहुत सारे यहाँ पर सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो जानते हैं, ठीक है ना, मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत सारी जयपुर की वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत अलग अलग प्लेसेस की वीडियो देखी हुई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लाइक जो पूछते हैं, मैं बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक अच्छी गुड विश मतलब बोलते हैं कि लाइक कीप इट अप, ग्रो करो, मेहनत करो और ग्रो करो उस अकॉर्डिंग। तो ऐसा करते हैं, हम थोड़ा सा दूर और है, हम वहाँ से अपने घर चले जाएंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें ऑफ़ कर देंगे और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो कोशिश करेंगे जो चीज़ एक दो चीज़ें मैं शूट करने की सोच रहा हूँ वो हो जाए, अदर देन वो नहीं हो पाएंगी, फिर हम इस तरह से तो नहीं आ पाएंगे जयपुर इस तरह से, जैसे हम रिलैक्स होके यहाँ पर आए हैं 2-3 दिन के लिए, मतलब हफ्ते भर के लिए घूमने के लिए, वैसे आई थिंक हम नहीं आ पाएँ, तो कोई आइडिया नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर हम वो कैप्चर कर सकते हैं, कल 2 बजे की ट्रेन है, उससे पहले अगर हम कुछ घूम सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं तो कर लेंगे, वरना फिर हम भीलवाड़ा निकल जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर जयपुर में, सीन आपको नहर दिखाते हैं, मतलब गंदा नाला, वही नहर गंदा नाला वो दिखाते हैं, उसको पार करके हम अपने घर जाएंगे। और ये आ चुका है मतलब ट्रैफिक, ये प्रताप द्वार है, ये प्रताप द्वार है,
और यहाँ पर मतलब चेकिंग चलती रहती है और आपका हेलमेट का चालान कटता रहता है, बाइकों का, गाड़ियों का चालान कटता रहता है इस प्लेस पे। तो हमें घूम के उधर जाना पड़ेगा, ये जो गाड़ियाँ खड़ी ना इधर आना पड़ेगा, और वो आगे से रास्ता तो था बट मैं इधर आ गया। तो चलो उधर से घूम के लाइन में लगते हैं अब, मतलब हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ट्रैफिक खुल चुका है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बच रहे हैं पुलिस वालों से, क्योंकि हेलमेट चाहिए ना इसलिए। अच्छा हाँ यार, हमें यहाँ पर रुकना है अभी थोड़ी देर के लिए। ये टोक डिपो खड़ी हुई है। एक्चुअली अब मुझे रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस रोड से चला गया मैं साइकिल कैसे पार करूँगा, तो मुझे उस साइड से जाके रॉन्ग साइड से जाते उधर जाना पड़ेगा। तो हम ट्रैफिक को पार करते हैं, जो कि ये आ रहा है, ये है जयपुर का ट्रैफिक। देख लो भाई, आधे घंटे का रास्ता 1.5 घंटे का कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इधर से आती हैं सारी गाड़ियाँ, और ये बस खड़ी है AC3, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक की है, मतलब अच्छा यहाँ से अच्छा आ रहा है ना, फोकस आ रहा है। तो हम पार करते हैं रोड, उसके बाद में मिलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक खुल चुका है। इधर देखो कितनी सारी जेसीबी मशीन खड़ी है, और वाह, जेसीबी नहीं है सॉरी क्रेन है। और एक मज़े की बात बताऊँ क्या है, मज़े की बात यह है कि लाइक जब आप साइकिल पर एक बड़ी सिटी मेट्रो सिटी में घूम रहे हो तो कोई भी ट्रैफिक रूल आपके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि साइकिल के लिए कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं बना है। बस आप आराम आराम से चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहो और घूमते रहो उस अकॉर्डिंग। मैं हाईवे पे भी नहीं चल रहा हूँ, मैं बहुत मतलब गली में चल रहा हूँ, एक तरह से मैं GT रोड पे चल रहा हूँ, हाईवे पे नहीं चल रहा हूँ, रॉन्ग साइड में हूँ इतना पता है, क्योंकि मुझे मैं पार करके इधर कैसे आता, क्योंकि अगर मैं बहुत आगे निकल जाता इसलिए मैंने सोचा पहले इधर आ जाऊँ, रॉन्ग साइड है तो क्या हुआ, इधर आते हैं उधर चलते हैं। ठीक है, इधर का व्यू देखो, मतलब कुछ ऐसा है, वो है GT रोड, ठीक है, मतलब वो है नेशनल हाईवे जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं हाईवे, और ये है GT रोड, और इस साइड में है ये है नहर गंदा नाला, जो हम अगर हमारे पास वो होता हम वॉक करते करते इधर आ जाते हैं, ये पूरा वॉक करने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो ऐसा करते हैं, अब हम अपने घर के पास पहुंच गए, बस यहीं से रास्ता है, अब इसको ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसको हमने हल्दी गाड़ी से यहाँ तक कैप्चर किया है, मतलब हमने जयपुर कैप्चर किया है इवनिंग में, वो भी मुझे नहीं आइडिया मैं फिर कब इस तरह से चीज़ें ये करूँगा यहाँ पर आके, इसलिए हमने इसको कैप्चर किया और मेमोरी बनाया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, ओके बाय।